कैबिनेट की बैठक शाम को हुई सचिवालय में, उस कैबिनेट की बैठक में भी 6 या 7 बड़े फैसले हुए हैं और उन फैसलों की जानकारी भी हम आपको अब देंगे। क्योंकि कैबिनेट के फैसलों के अलावा जो और भी महत्वपूर्ण बातें आज हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसफर ऑर्डर आज एक और रद्द हुआ है। प्रेजेंटली कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर अभी जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया में जो हाईकोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो किसी और तरह के हैं। सरकार जो प्रक्रिया है अपनी ट्रांसफर की वो कुछ और तरह की रखी हुई है। इसीलिए आज जो ट्रांसफर के मामले में अपडेट आई है वो आपको बताएंगे कि किसका जो ट्रांसफर ऑर्डर है ये कैंसिल हुआ है और उसकी वजह क्या बनी है। ट्रांसफर ऑर्डर के साथ साथ जो बात करनी है वो है डीनोटिफिकेशन की। डीनोटिफिकेशन को फिलहाल राज्य सरकार ने रोक दिया है जो पेंडिंग अभी होने को थे, और ये कौन से मामले हैं जिनको रोका गया है ये जानकारी आपको देंगे। युवा कांग्रेस में एक बड़ा जो भूचाल जैसा आया है, बहुत सारे लोग, 100 से ज्यादा लोग इनके हटा दिए गए हैं इनके पदों से, और जिन लोगों को हटाया गया है उसकी वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे। 4 लेन पर हाईकोर्ट से एक बड़ा ऑर्डर आया है, क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद जो लोअर कोर्ट है वो भी जो स्टे और बाकी सारे मामले सुन रहे थे, तो इसीलिए हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर इसमें किया है। मेधा प्रोत्साहन योजना, जिसको लेकर एक शक था कि कहीं नई सरकार ने इसको बंद तो नहीं कर दिया, वो योजना जारी है और इसके लिए एप्लीकेशन मांगी है राज्य सरकार ने। अब जिन लोगों ने ये 1 लाख, जिन बच्चों ने 1 लाख का ये वजीफा लेना है उनके लिए, उसके बाद वाटर सेस पर कमेटी बनेगी, बॉर्डर नाकों का स्टाफ बदलेगा, इन्वेस्टर मीट के रिजल्ट क्या आए हैं, इमरजेंसी की पेंशन पर आज हल्ला क्यों हुआ है, बिजली बोर्ड सर्विस कमेटी की बैठक कब होगी, कौन मुख्य मामले इसमें है। इसके बाद जो बाकी मामले हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो आज प्रश्नकाल में जितनी चीजें उठी हैं उनके साथ साथ जो बाकी चीजें हैं वो भी हम बताएंगे, खासकर जो बिजली बोर्ड की सर्विस कमेटी की बैठक है। देखिए बिजली बोर्ड की सर्विस कमेटी जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब सर्विस कमेटी से केस निकल जाते हैं उसके बाद फिर आगे जो इन पे फैसला बिजली बोर्ड ले पाता है, और अभी जो फील्ड में इनके जो SDOs हैं, AEs हैं, उनकी जो कमी चल रही है उस कमी को दूर को लेकर कोई बड़ा स्टेप लेने को लेकर बात हो रही है, और इसीलिए JEs और AE जो हैं, खासकर 200 JEs हैं, इनकी भर्ती को लेकर फैसला होगा, ये सर्विस कमेटी की बैठक में होगा। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने ये तय कर दी है 12 अप्रैल को ये सर्विस कमेटी की बैठक होगी, और इसमें AE के खाली पदों, JEs की प्रमोशन, इन सारी चीजों को लेकर एक साथ बात होनी है। राज्य सरकार से टाइम मांगा गया था, उस टाइम के अनुसार ये तय हो गई है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो बाकी जो इसमें पेंडिंग काम है वो इन केस के माध्यम से हो सकेंगे। इमरजेंसी की पेंशन पे हल्ला क्यों हुआ है, दरअसल आज संजय रतन जो कांग्रेस के विधायक, उन्होंने सवाल पूछा था, और ये सवाल पूछा गया था संजय रतन का, जो ये सवाल है ये पूछा गया था अपनी सरकार से कि जो जो एक पेंशन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर या उसके बाद एक नई जो एक पेंशन लगाई गई थी, ये जयराम सरकार के दौरान ये फैसला हुआ था, जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान जेल झेली है, उनको उनको या उनकी धर्मपत्नी को 20,000 रुपये और अगर उनकी फैमिली में लगनी है तो 12,000 रुपये प्रतिमा देने की ये बात थी। टोटल 80 लोग ही बचे हैं, बाकी थे नहीं ये नेता प्रतिपक्ष ने, बेसिकली सवाल था ये संजय रतन का, और संजय रतन के जो पिताजी हैं उनको भी ये पेंशन मिलती थी और का ये सवाल था, लेकिन जो सवाल ये लगा नहीं, और जब लगा नहीं तो रिटर्न रिप्लाई आया तो जो नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने बाद में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत प्रश्नकाल के बाद ये मसला उठाया, और जब इस मसले को उठाया गया तो सरकार की तरफ से रेजिस्टेंस आई पहले कि इनको बात रखने नहीं दी गई, बाद में जब अलाउ किया गया तो फिर इन्होंने कहा कि ये स्कीम जो है वो लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना के नाम पर शुरू की गई थी, 80 ही लोग हैं पूरे प्रदेश में, कितना फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है 20,000 और 12,000 रुपए से, और इसको बंद क्यों किया गया था। तो सीएम ने रिप्लाई दिया कि जी इसके बारे में वो जब बिल आएगा, क्योंकि जयराम ठाकुर ने क्वेश्चन ये उठाया कि एक बिल कानून बनाकर इसको लागू किया गया था, राज्य सरकार महज कैबिनेट के फैसले से नहीं कर सकती इसको, तो फिर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने जवाब देने की कोशिश की कि ये सिर्फ और सिर्फ जो एक इमरजेंसी की याद ताजा करने को लेकर ये कोशिश थी, लेकिन इसलिए राज्य सरकार ने इसको हटा दिया है, और विपक्ष के लोग नहीं बताएंगे कि सरकार ने क्या फैसले लेने हैं, और यही बात विधानसभा अध्यक्ष ने भी कही नेता प्रतिपक्ष को कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मुताबिक जवाब चीफ मिनिस्टर देंगे। बाद में सीएम ने खड़े होकर इतना कहा कि बाद में जब इस स्कीम को लेकर बिल लाएंगे, विधेयक लाया जाएगा, वो अपनी बात तभी रखेंगे, तो ये बात आई गई, उस तरह से हो गई, लेकिन हल्ला जो है इस पूरे मामले में हुआ। अब अगर हम प्रश्नकाल की बातें करूं अभी मैं, क्योंकि प्रश्नकाल में बहुत सारे मसले उठे थे, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है प्रश्नकाल की वो ये भी है कि जो ये मैक्सिमम तौर पर बाकी मामले हैं, जैसे एक तो है जो इन्वेस्टर मीट का है, बॉर्डर नाकों का स्टाफ है, बॉर्डर नाकों के अलावा और भी कुछ मामले हैं जो प्रश्नकाल से रिलेटेड है, लेकिन जैसे डॉक्टरों का रेडियोलॉजिस्ट का कोर्स है, दरअसल रीना कश्यप का सवाल था ये पछात से, और इन्होंने सराहा हॉस्पिटल में जो एक अल्ट्रासाउंड होता है उसकी डिमांड की थी, जो कर्नल धनीराम शांडिल हैं स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिल रहे, मशीन तो लगा दें लेकिन कमी है, इसीलिए अब ये तय हुआ है कि डॉक्टरों को जो 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाए ताकि वो ये काम भी कर सकें। जनक राज जी ने सवाल पूछा कि जो ब्रिज कोर्स आप करवा रहे हैं क्या ये भारत सरकार से अप्रूव्ड है, तो हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि बिल्कुल इसको अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल गया है और इसीलिए इसको शुरू करने का विचार राज्य सरकार का है, और ये पहली बार होगा कि डॉक्टरों को इस तरह का जो है वो ट्रेनिंग वो दी जाएगी। इसके बाद प्रश्नकाल की अगली बात करूं मैं तो वो है बात जो बॉर्डर नाकों को लेकर तैनात स्टाफ था, ये बेसिकली सवाल तो पूछा था पहले इसमें इंदौरा के विधायक मलिंद्र राजन ने, और उन्होंने ये सवाल NDPS से रिलेटेड पूछा था कि उनके चुनाव क्षेत्र में कितने केस बने हैं पिछले 3 साल में, 187
FIR हुई हैं और 252 गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इन्होंने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए और ये कहा कि पुलिस चाहे तो ड्रग के रैकेट को तोड़ सकती है। लेकिन बीच में फिर जो शाहपुर वाले विधायक हैं केवल सिंह पठानिया, उन्होंने एक सवाल पूछा बड़ा इंटरेस्टिंग, और उन्होंने कहा कि जी दो नाके हैं हमारे यहाँ, कंडवाल और तौकी, और वहां पे एक ऐसे ASI है, मैं नाम नहीं लूंगा विधानसभा के अंदर, ऐसा उन्होंने कहा, और वो ASI इतना एक्सपर्ट है और इतने साल से, कोई 12-15 साल से वहीं पे है, और कांगड़ा जिला में जहां से भी ट्रक और टिपर चोरी हो तो उसको पता होता है वो कहां गए होते हैं, फिर वो वहां जाता है और बाद में वो ले आता है, लेकिन वो वहां पे क्यों है इतने साल से, कुछ और भी एक्टिविटी उन्होंने रिकॉर्ड की होगी तो वो बात वहां कही। इस पे सीएम ने रिप्लाई किया कि जो भी बार बार एक ही जगह पोस्टिंग हो रही है उसको देखेंगे और इनको रोटेट करेंगे, जो बार बार वहां जा रहे हैं उसकी जांच भी करेंगे और इनको वहां से हटाएंगे। तो यह दूसरी बात हो गई। अब बात करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की, जो जयराम सरकार के दौरान हुई, और जो डाटा रखा गया विधानसभा के अंदर उससे यह लगता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का जो कोशिश थी पूर्व सरकार की वो एक तरह से सफल रही है। सफल इसलिए क्योंकि जो रिप्लाई आया है उसके मुताबिक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में जितने MOU निवेश के हुए थे, वो जो निवेश के MOU हैं उनमें से जो 523, क्योंकि 900 कुछ ये MOU थे, इनमें से 523 जो है वो जमीन पे उतर गए हैं, धरातल पे उतर गए हैं, 228 उद्योग स्थापित भी हो चुके हैं, 157 में काम चल रहा है अभी स्थापित करने का, और 9,366 लोगों को इसमें रोजगार भी मिल चुका है। ये बड़ी बात है अपने आप में, और इसीलिए जयराम ठाकुर ने भी अनुपूरक सवाल में खुद कहा कि अगर 9,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल गया है तो आपको पूर्व सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इस तरह का स्टेप लिया और आप भी ऐसा स्टेप लें। हालांकि इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने यह कहा कि बिल्कुल हर सरकार कोशिश करती है, आपने भी कोशिश की, वो अच्छी बात है, हम इसके लिए कुछ कह नहीं रहे, लेकिन हम भी सिंगल विंडो को रिप्लेस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट ब्यूरो से, ताकि जो इन्वेस्टर है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए या बाकी सारी चीजों को लेकर इधर उधर भटकना ना पड़े। तो यह दूसरी बात है। अब बात अगली है वो मेधा प्रोत्साहन योजना की। मेधा प्रोत्साहन योजना को लेकर पहले संशय यह था कि कहीं नई सरकार इसको बंद ना कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है, और मेधा प्रोत्साहन योजना में अब राज्य सरकार ने जो आवेदन मांगे हैं अप्लाई करने के लिए, और यह अप्लाई एप्लीकेशन होगी बेसिकली कि जो कितने लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि 1,00,000 रुपया इसके लिए कोचिंग के लिए मिलता है, और वो कोचिंग हो सकती है CLET नीट की है, IIT की है, JEE की है, और इसी तरह से AFMC की है, NDA की है, बहुत सारे कोर्सेज इसमें हैं उस तरह के, और प्रोफेशनल जो भी ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी तैयारी को लेकर भी मिलती है, और इसीलिए जो आवेदन है वो 25 अप्रैल तक किया जा सकता है हायर एजुकेशन की वेबसाइट से। अभी आप जो एक्स्ट्रा इसकी जानकारी है वो ले सकते हैं। कोचिंग संस्थान की पात्रता के मापदंड क्या होंगे ये भी उसी में बताया गया है, और जो मेधा प्रोत्साहन को लेकर अप्लाई करना चाहते हैं लोग वो वहां से जानकारी ले सकते हैं। युवा कांग्रेस की बात करें तो राज्य में सरकार बनने के बाद पहली बार ये बड़ा कदम उठाया गया है, और ये कदम यह है कि 112 पदाधिकारी जो है वो पदमुक्त कर दिया है, यानी कि उनके पदों से हटा दिया है। गए ज्यादातर पदाधिकारी जो अभी तक हमारे सामने अपडेट आ रही है इसमें, जो हॉली लॉज कनेक्शन भी है, और दूसरी बात यह कि रीजन यह बताया गया है कि दिल्ली के एक कार्यक्रम में ना आने का रीजन इसमें बताया गया है, उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और 112 लोगों को हटाया गया है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि डिनोटिफिकेशन पर एक तरह से रोक लग गई है। मैं डिनोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं स्कूलों को लेकर। सरकारी स्कूलों में देखिए पहले यह हुआ था, जो आपको पहले पता है 285 तो वो स्कूल डिनोटिफाई किए थे जो जीरो एनरोलमेंट के थे। उसके बाद 17 प्राइमरी स्कूल डिनोटिफाई हुए जिनकी जो एनरोलमेंट थी वो 10 से कम थी। फिर उसके बाद मिडिल हाई और सीनियर सेकेंडरी को लेकर फैसला होना था, 31 मार्च कट ऑफ डेट रखी गई थी। आज विधानसभा में चर्चा लगी हुई थी कटौती प्रस्ताव, और उसमें रणधीर शर्मा ने भी यह डिमांड की कि जो समर क्लोजिंग स्कूल हैं उनको 15 अप्रैल तक का एडमिशन के लिए टाइम दिया जाए ताकि पता लग जाएगा फिर उसमें एडमिशन होती है या नहीं होती है। इसीलिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से वर्बल डायरेक्शन यह आई है, जो हम इंतजार कर रहे थे कि 31 मार्च तक से पहले पहले डिनोटिफिकेशन के ऑर्डर भी हो जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर जो रिप्लाई दिया था बजट की चर्चा के रिप्लाई में, उसमें ये फिगर ये बताया था कि 300 से ज्यादा ऐसे स्कूल और थे जो भी डिनोटिफिकेशन की कैटेगरी में आने वाले थे, जो कैबिनेट ने 28 फरवरी 2023 की एनरोलमेंट डाटा के आधार पर फैसला लेना था। और इसी कारण अब देखिए हुआ यह है कि जो डायरेक्शन आई है सरकार से वो ये कि फिलहाल इस फाइल को पेंड रखा जाए और 15 अप्रैल के बाद इस पे बात करेंगे, 15 अप्रैल के बाद जो डिनोटिफिकेशन वाले मामले में। तो आपको या तो इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ये पता लगेगा कि आगे इसमें क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल जो सूचना है उसके मुताबिक डिनोटिफिकेशन जो मिडिल हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की पेंडिंग थी उसको फिलहाल रोका गया है, फिलहाल टाला गया है, और 15 अप्रैल के बाद सरकार इसमें डिस्कशन करेगी। ये जो नई बात है और इसी बात को लेकर जो अपडेट है हमने आपके साथ साझा करना था। मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन के माध्यम से 40 मोबाइल वैन खरीदने का भी फैसला यहां पर लिया गया है, और इन मोबाइल वैन का उपयोग पशुपालन विभाग पशुओं के उपचार के लिए किया जाएगा, और इससे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में पशुओं के उपचार में मदद मिलेगी। और बैठक में बिलासपुर के बंदला में स्थित हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्यूटर साइंस के अलावा कुछ अन्य इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का भी फैसला जो है वो कैबिनेट की बैठक में लिया गया, और साथ ही शिमला व चंबा पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी कंप्यूटर साइंस और इंटरनेट से जुड़े कोर्स प्रारंभ करने, और प्रदेश की 17 ITI में इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े पाठ्यक्रमों के साथ साथ मोटर मैकेनिक व कुछ अन्य कोर्स प्रारंभ करने का फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में इसमें लिया गया है। और मंत्रिमंडल की बैठक में हरोली में प्रस्तावित बल्क ड्रग फार्मा पार्क के निर्माण के लिए राज्य अधोसंरचना क्रिया
नवीन एजेंसी के गठन का फैसला भी लिया गया और मंत्रिमंडल की बैठक में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की 2021-22 की रिपोर्ट को भी यहां पर मंजूरी दी गई। तो ये कैबिनेट का डिसीजन था। और इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल्लू जिला में प्रस्तावित बिजली महादेव रोपवे का निर्माण पीपीपी हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर करने का भी डिसीजन इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया। और बिजली महादेव के लिए 2.7 किलोमीटर लंबा रोपवे यहां पर बनाया जाना है और इस रोपवे के बनने से कुल्लू जिला में पर्यटन को और ज्यादा जो बढ़ावा है वो दिया जाएगा। तो ये कैबिनेट के बड़े डिसीजन थे जो हमने आपको यहां पर बताए। और इसके अलावा क्योंकि अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश के तमाम सभी कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं और आउटसोर्स की अगर हम बात करें तो आउटसोर्स के मसले को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में अनौपचारिक तौर पर जो है वो चर्चा की गई। किस तरह से प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरियों को बचाया जाए इसको लेकर जो है वो आज कैबिनेट की बैठक में लंबी चर्चा चली। और हालांकि पॉलिसी का जो एक पॉलिसी को लेकर जो एक चर्चा की जा रही है, पॉलिसी को लेकर कर्मचारी मांग कर रहे हैं, तो इसको लेकर जरूर कैबिनेट में आज विस्तृत चर्चा हुई। लेकिन यहां पर सरकार ने यह फैसला लिया है कि आउटसोर्स के जो कर्मचारी है उनकी पॉलिसी बनाने से पहले तमाम और भी अधिकारियों के साथ इस मैटर को विस्तृत रूप से चर्चा की जाए और उसके बाद ये नियम क्या बनाए जा सकते हैं, आउटसोर्स के कर्मचारियों को भविष्य में अपनी नौकरियों को लेकर खतरा न रहे इसके लिए क्या और प्रावधान नियमों के तहत किए जा सकते हैं, इसको लेकर डिसीजन जरूर लिया गया है। लेकिन सबसे पहले आउटसोर्स के ऐसे कर्मचारियों को लेकर आज जरूर कैबिनेट में गंभीरता दिखाई गई जिन आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरियों को लेकर अभी खतरा मंडरा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जिन आउटसोर्स कर्मचारियों की एक्सटेंशन कंपनियों के साथ जो कंपनियों के साथ एक्सटेंशन एमओयू सरकार ने किया है, जिन कंपनियों का एमओयू 31 मार्च को खत्म होगा, 31 मार्च से पहले यानी कि 2 दिन में जो है वो सरकार इसमें कुछ ना कुछ डिसीजन जो है वो ले सकती है और लिखित आदेश जो है वो सरकार की ओर से इसमें जारी किए जा सकते हैं। क्योंकि कैबिनेट में ये अभी फिलहाल सहमति बनी है कि संबंधित विभागों को इसमें अवगत करवाया जाएगा और आउटसोर्स के कर्मचारियों की नौकरियां ना जाए इसके लिए कंपनियों के साथ वार्तालाप इसमें की जाएगी। तो और इसके अलावा अगर ओपीएस के मुद्दे की बात करें तो ओपीएस को लेकर हिमाचल प्रदेश के तमाम कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। 30 और 31 दो दिन बचे हैं। 1 अप्रैल को कर्मचारियों के एनपीएस कर्मचारियों के सैलरी खाते से जो है वो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन कटना शुरू हो जाता है अमूनन। लेकिन इस बार जो है वो फिलहाल 1 अप्रैल से कर्मचारियों का एनपीएस कंट्रीब्यूशन नहीं कटेगा, ये भी आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है। हालांकि इसके लिए क्या मापदंड होंगे, किस तरह से क्या ये कर पाना सही होगा कि कर्मचारियों की अंडरटेकिंग के बिना एनपीएस कंट्रीब्यूशन सरकार काटेगी, ये जरूर वक्त बताएगा और कितनी मुश्किलें इसमें आती है ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज सीएम ने ये स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों का जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है वो 1 अप्रैल से कटना बंद हो जाएगा। कर्मचारियों को 1 अप्रैल से ओपीएस का बेनिफिट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा और उसमें बाद में कर्मचारी अगर चाहते हैं कि उन्हें एनपीएस जो है वो कटवाना है तो ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे में भी लाया जाएगा। हालांकि आज की कैबिनेट की बैठक में उम्मीद ये जताई जा रही थी कि ओपीएस को लेकर जरूर मापदंड सामने आएंगे, लेकिन ओपीएस को लेकर इतनी ज्यादा जो चर्चा है वो आज की बैठक में नहीं हुई है क्योंकि अभी तक वित्तीय विभाग अपने मापदंड जो तैयार किए गए हैं उन मापदंड को लेकर अंतिम रूप यहां पर नहीं दे पा रहा है या फिर क्लैरिफिकेशन के लिए जो है वो उसे बार बार वापस यहां पर भेजा जा रहा है। तो यही वजह है कि फिलहाल ओपीएस को लेकर सरकार ने ये जरूर आज जो स्पष्ट किया है, सीएम का बकायदा बयान इस पर जारी हुआ है कि ओपीएस को लेकर जो है वो कर्मचारियों को 1 अप्रैल से बेनिफिट देना शुरू कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल से ओपीएस बहाल हो जाएगी, कर्मचारियों का एनपीएस जो है वो कटना इसमें बंद हो जाएगा। हालांकि जो कर्मचारी काटना चाहेंगे तो वो काट सकते हैं।